गाइस माय यूट्यूब चैनल में। तो आज आपको दिखाते हैं पापा के परी के कारनामे। तो देखते हैं पापा की परी ने क्या किया, और आप देखिए ये वीडियो जो कि आपको दिखा रहे हैं अपने चैनल पे। और ये है पापा के परी के कारनामे जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ, और देखते रहिए वीडियो में। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, पापा की परियों की इतने सारे एपिसोड बनाने के बाद मुझे लगा पापा की परियां सुधर गई होंगी और मुझे इनके ऊपर वीडियो बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब लोग लोटा लेके खेत में जा सकते हैं। अब लोगों को डरना नहीं है कि कोई उनका पतीला पीछे से पिचका देगा। अब लोगों के अंदर का दहशत और खौफ धीरे धीरे कम हो रहा था। फिर घटती है ये घटना। तो भाई ले लो। ओ! ओ! और फिर यहाँ से शुरू होती है पापा की परी की दूसरी लहर। और अब ये पापा की परियाँ पापा की परी नहीं बल्कि एक काल बन के आई थी। एक ऐसा काल जो इंसान तो इंसान जानवरों को भी रोंद रही थी। और इन पापा की परियों ने इतना विकराल रूप ले लिया था कि इनके आगे कुत्ते तो कुत्ते, हाथी भी आ जाए तो ये ब्रेक नहीं मारती। बाल बाल बचा बेचारा हाथी। देख रहे हो, हाथी ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई, नहीं तो इसका काम भी तमाम हो जाता। तो भाई लोगों, इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़े, सब्सक्राइब, क्योंकि कुछ पापा की परियों से हम वहाँ भी भिड़ते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोगों, ये तो आपको पता ही है कि पापा की परी के आगे चाहे कोई भी आ जाए वो ब्रेक नहीं मारती, फिर चाहे वो कुत्ते हो, इंसान हो, हाथी हो या गाड़ी। देख सकते हैं गाइस, आप हैंड ब्रेक ऊपर नहीं कर रहा, हैंड ब्रेक ऊपर नहीं किया इन्होंने, पीछे एकदम पीछे ले इसकी साइड, रोकने की कोशिश कर दी, रुक नहीं रही है। देख सकते हैं गाइस आप, इन्होंने खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई लोगों, देखा आपने, पापा की परी ने वैगनर में स्कूटी पेल दिया पर ब्रेक नहीं मारा, क्योंकि ब्रेक जैसा शब्द पापा की परियों की डिक्शनरी में होता ही नहीं है। और ये तो फिर भी वैगनर था, इसकी जगह अगर रोड रोलर भी होता ना तो वो पेल के निकल लेती। अच्छा। और भाई, इन पापा की परियों के पास इतना नॉलेज हो गया स्कूटी चलाने का कि ये रोड से जाती ही नहीं बल्कि अपना रास्ता खुद बनाती हैं। नो 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 नो। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। बताओ, यही तो पहचान है पापा की परियों की, हम बने बनाए रास्ते पे चलते हैं और ये अपना रास्ता खुद बनाती हैं। और यूं ही लोगों ने खेतों में लोटा लेके जाना बंद नहीं किया, इसके पीछे पापा की परियों का बहुत बड़ा हाथ है। और भाई, ये पापा की परियां बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, लेकिन इनके स्कूटी चलाने का अंदाज वही दहशत वाला होता है। फिर चाहे इनके खुद का पतीला ही क्यों ना पिचक जाए पर ये ब्रेक नहीं मारती। नो 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 नो। हाँ भाई, कैसी लगी? वो तो अच्छा हुआ गड्ढा छोटा था, नहीं तो मैडम पताल लोग पहुंच जाती लेकिन ब्रेक नहीं मारती, बताओ। और भाई, मुझे ये समझ नहीं आता स्कूटी कंपनी स्कूटी में इंडिकेटर देती क्यों है जब इनको मुड़ना ही अपने हिसाब से है। तो पहले बता, ये कहाँ जाएगी? क्या बोला? और भाई, ये इकलौती पापा की परी नहीं है जो इंडिकेटर का उपयोग बिल्कुल सही कर रही है, ऐसे बहुत सी पापा की परियां हैं जो जानती है इंडिकेटर का उपयोग कैसे करते हैं। नानी। और भाई, अगर आपने बोल दिया ना कि मैडम आप ऐसा क्यों करते हो, तो देखो इनका जवाब। ब्रेक लगा दिया गाड़ी मेरी है मैडम, मैं राइट मोड़ चल रहा हूं। एक बात बता रहा हूँ मैडम, मैंने ब्रेक मार दिया नहीं तो आप चक्के के नीचे आ जाते। बताओ, देख रहे हो, मेरी गाड़ी है, मैं राइट मोड़ू या लेफ्ट मोड़ू, और इतना ही नहीं भाई, मैडम को बिना टच किए चोट भी लग गया। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन मुझे चोट आई है ना अभी। अच्छा, चोट आई? देखो, चोट आई है मुझे। कहाँ पे चोट आई है? देखो, चोट देख रहे हो, मैडम को कितने जोर से लगा है, मैडम चल भी नहीं पा रही है।
मतलब साला एक लखनऊ वाली प्रिया दर्शनी थी और एक ये परिया दर्शनी, मतलब भाई अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या। और भाई ये पापा की परियां जब भी स्कूटी चलाती है इमरजेंसी ब्रेक हमेशा तैयार रखती है, क्योंकि इनको भी पता है हैंड ब्रेक से कुछ नहीं होता, इसलिए पैरों का ब्रेक खोल कर चलती है। अब कुछ लोग बोलेंगे ये पापा की परियां के टांगे हैं, पर उनको क्या पता ये टांगे नहीं ब्रेक हैं। टांगे जैसी दिख रही हैं पर है ये ब्रेक। तो क्या हाल है भाई लोगों? तो भाई लोगों, जैसे ही पापा की परी की दूसरी लहर आई, इंसान तो इंसान जानवरों की भी जिंदगी के लाले पड़े हैं। जहां एक तरफ पापा की परियां कुत्तों को रोनते फिर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कुत्ते पापा की परी को देखते ही भाई इन पापा की परियों ने इतना दहशत मचा रखा है कि बेचारे कुत्ते चैन से सो भी नहीं पा रहे हैं। कोई डर की वजह से खड़े खड़े सो रहा है, तो कोई सोते सोते डर रहा है। आलम ये हो गया है कि कुत्ते भी पड़े पड़े बस यही सोच रहे हैं। नींद किसे, अब है चैन कहां। भाई पापा की परी की दूसरी लहर क्या आई, ये इतना विकराल रूप ले चुकी है कि इनके आगे कोई भी आ जाए, कोई भी, ये स्कूटी नहीं रोकती। Women. बताओ, देख रहे हो पापा की परी की स्कूटी की गति। भाई इन पापा की परियों की स्कूटी स्कूटी नहीं है, भल्लाल देव का रथ है। और इन दोनों के बीच में कोई आया तो यार तो समझो वो मर गया। तो भाई लोगों, इससे पहले कि पापा की परी की दूसरी लहर तुम्हें भी समेट के ले जाए, कर दो यार। मैं आप लोगों के लिए इतनी अच्छी अच्छी पापा की परी की वीडियो लाता हूँ यार, बट आज कर देना यार, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोगों, पापा की परी वो भयानक काल है जिसे खुद काल भी नहीं रोक पाते, तो ये पुलिस वाले क्या रोक पाएंगे। बताओ साला, तुमको क्या लगा उस पुलिस वाले के हाथ देने से ये रोक देगी? वो तो शुक्र करो पापा की परी की स्कूटी में रस्सी अटक गई और उस पुलिस वाले ने पकड़ लिया, नहीं तो ये चांद से पहले ब्रेक नहीं मारती। मतलब सच में भाई, कब सुधरेंगी ये पापा की परियां? भाई आधी जनसंख्या कोरोना ले गई, बची खुची को ये पेल देगी, मतलब किसी भी सूरत में मरना तय है भाई। अच्छा। और भाई ये पापा की परियां, एक आंधी तो दूसरी तूफान, और तूफान ना चुपचाप आते हैं और ना चुपचाप जाते हैं। बोल रहे हो उतना दिल से हटने के लिए तो हटा नहीं जा रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। अच्छा, हमें सतर्क रहना है। माइक लेके खड़े हो गए हो? पागल हो? हम पागल है कि तुम पागल हो? दिख नहीं रहा है कि स्कूटी चला रहे हैं? गाड़ी की गाड़ी के चलाए मत, फिर क्यों मार रहे हो? बताओ, देख रहे हो मैडम का दिमाग, हॉर्न की जगह मुंह से चिल्ला रही है हटो हटो। एक तो खड़े गाड़ी में पेल दिया, ऊपर से बोल रही है दिखाई नहीं दे रहा है। मतलब भाई इन परियों को भल्लाल देव का रथ दे कौन देता है, मतलब जिसे मर्जी पेल रही है। और इतना ही नहीं भाई, कुछ पापा की परियां ऐसी होती है जो खुद हवा के झोंके से गिर जाती है। अब आपको क्या हो गया? और हम छपरी नहीं है, और हम छपरी नहीं है, हम छपरी थोड़ी ना। ये ब्रेक भी मार ली और स्कूटी टच भी नहीं हुई यार। नहीं बताओ भाई इसको, ये ऐसे कैसे गिर गई थी बिना टच हुए? अरे मैडम, वो तो अच्छा हुआ भाई ने ब्रेक मार दिया, नहीं तो तुम रोड में चिपक जाती और खुरपा से खोद के निकालना पड़ता। बताओ, खैर भाई ये स्त्री है, कुछ भी कर सकती है। सही बात है। और भाई इन पापा की परियों को स्कूटी सीखने के लिए ना पूरा ग्राउंड भी दे दो ना, तो भी ये मट्टी चाटेंगी। ए!
खत्म। बताओ साला, मैडम अब चीखे निकालने से कोई फायदा नहीं, अब तो धरती चाट ली। चलो वो तो अच्छा आप चार सहेलियां साथ में लेके आई थी, नहीं तो घसीटा मार के घर जाना पड़ता। भाई इतना कुछ होने के बाद भी ये पापा की परिया ऐसे ज्ञान पेलती हैं मानो यही हो रहे हो हमारी जान को राइडर की मौसी। तो जो भी लड़कियां बाइक चलाने के बारे में सोच रही हैं, प्लीज गो फॉर इट, देयर इज नो सेकंड थॉट फॉर यू गर्ल्स, क्योंकि ये सिर्फ कोई शौक या पैशन नहीं है, इट्स अ लाइफ स्किल। आपको कहीं भी जाना है आपको आना चाहिए। अच्छा, आपकी डिपेंडेंसी दूसरों से खत्म होती है, तो इट मेक्स यू मोर इंडिपेंडेंट, इट गिव्स यू मोर पावर इन लाइफ। बाइकिंग को बहुत ज्यादा जेंडरलाइज कर दिया है, विच इट शुड नॉट बी। अगर मैं एक बाइक को स्टार्ट करती हूं, ये स्टार्ट हो जाती है। ठीक है समरिया, ये मुझसे जेंडर नहीं पूछती है, तो प्लीज गो फॉर इट। अच्छा अरे मैडम, धरती चाटो ज्ञान ना बांटो। और मैडम एक बात बताओ, ऐसा कौन सा बाइक है जो स्टार्ट करने से स्टार्ट नहीं होता है जो आप बोल रहे हो? शुड नॉट बी, अगर मैं एक बाइक को स्टार्ट करती हूँ स्टार्ट हो जाती है। नहीं मतलब सभी बाइक स्टार्ट करने से ही स्टार्ट होती है, ऐसी कौन सी बाइक है जो अपने आप स्टार्ट होती है? हाँ कुछ बाइक है जो स्टार्ट करने से स्टार्ट नहीं होता है, जैसे कि ये बाइक। बताओ ये स्कूटी स्टार्ट कर रही है या अपने बीएफ को चार्ज कर रही है? नहीं मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्कूटी स्टार्ट करने की बजाय खुद स्टार्ट हो रही हो। और मैडम जिस हिसाब से तुम स्कूटी को किक मार रही हो ना, उस हिसाब से स्कूटी स्टार्ट हो या ना हो पर उसकी छाती जरूर भर जाएगी। फिर भी भाई जैसे तैसे ये पापा की परिया स्कूटी सीखने के बाद रोड पे निकल जाती है और उनका ये हाल होता है। बताओ भाई चाहे कुछ भी हो जाए, रोड खाली हो भरा हो, पापा की परियों को मट्टी चाटना है मतलब चाटना है, फिर चाहे ना खुद का ही भगोना क्यों ना पलटना पड़े। मतलब आप खुद ही देखो, मैडम इतनी धीरे स्कूटी चला रही है फिर भी भगोना पलट दिया, तो बस तो क्या हाल है भाई लोगो? तो भाई लोगो पापा की परी की दूसरी लहर क्या आई, कमेंट बॉक्स में बस एक ही बात देखने को मिल रहा है, भाई पापा की परी पे वीडियो लाओ, भाई पापा की परी पे वीडियो बनाओ, भाई पापा की परी का नेक्स्ट पार्ट, भाई पापा की परी की वीडियो, भाई पापा की परी की वीडियो का नेक्स्ट पार्ट, भाई पापा की परी की वीडियो, भाई नेक्स्ट पार्ट, भाई नेक्स्ट पार्ट, भाई नेक्स्ट पार्ट। अरे भाई हौसला रखिए, धीरज रखिए और कम से कम शांति तो जरूर रखिए। और एक भाई ने तो हद ही कर दिया, पाद और पार्ट में कोई फर्क ही नहीं छोड़ा, भाई पापा की परी का नेक्स्ट पाद। आ जाओ भाई तुम्हें पाद ही सुखाते हैं। तो भाई लोगों अभी लोगों ने दहशत के मारे खेत में लोटा लेके जाना शुरू ही नहीं किया था कि पापा की परी की दूसरी लहर आ गई। और दूसरी लहर वो लहर बन के आ गई जब इंसान तो इंसान जानवरों को अस्तित्व भी खतरे में था, जहां पापा की परिया हाथी जैसे विशाल जानवरों को भी अपने स्कूटी के चक्के के नीचे दबोचने को तैयार थी। और इन पापा की परियों ने इस कदर दहशत मचा रखा था कि जिस दिन इनको कोई शिकार नहीं मिलता उस दिन ये अपना भगोना अपने आप पलट के अपना मिशन पूरा कर लेती। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो भाई लोगों इससे पहले कि पापा की परियों की अगली शिकार आप बनो, सब्सक्राइब कर दो यार। तुम लोग वीडियो को देखकर ऐसे तेज निकल जाते हो जैसे रास्ते में खड़ी बाइक को ठोककर पापा की परी जाती है। तो जाओ यार चैनल को सब्सक्राइब करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो भाई लोगों दूसरी लहर आने के बाद पापा की परियां शिकार के चक्कर में इतना बौखला गई थी कि ये तक भूल चुकी थी कि स्कूटी चलाना कहां है। बताओ देख रहे हो पापा की परी स्कूटी कहाँ चला रही है? वो तो अच्छा हुआ वहाँ कोई सुअर नहीं था, नहीं तो आज मैडम सुअर दबोची लेती। मतलब भाई इन्हें बने बनाए रास्ते में चलना ही नहीं है, इन्हें अपना रास्ता खुद बनाना है, फिर चाहे उनका रास्ता गटर से ही क्यों ना निकले। और भाई इतना भयानक ड्राइव करने के बाद भी कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो इनके पीछे बैठना चाहते हैं,
और नतीजा आपके सामने। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। क्या हुआ भाई, आ गया स्वाद, पिचक गया पतीला? नहीं, और बैठो पीछे और करो पापा की परियों पे भरोसा। वो तो अच्छा हुआ रास्ता कच्चा था, नहीं तो पतीला पिचकता नहीं, पतीले में दरारें आ जाती, बताओ। और भाई हमारे लोंडे भी कहाँ पीछे रहने वाले हैं, उनको जैसे ही मौका मिलता है वो पापा की परियों का भगोना पलट देते हैं। नहीं मैडम, और मत उतरो, और दिखाओ अपना जलवा, बन गई ना जलपरी। अरे मैडम, जब पता है पानी भरा है, स्कूटी नहीं चल रही है, तो जरूरी है उस पे बैठना। नहीं अब तो मजा आ ही गया होगा ना छोटी गंगा में गोते लगा के। और भाई लोगों, दूसरी लहर आने के बाद पापा की परी सच में यमराज बन गई है, वो किसी को भी कहीं भी पेल रही है। भाई होल्डिंग प्लेट नंबर है भाई, काफी लोग सोचेंगे कि मैंने प्लेट नंबर चेंज करा, खुद सोचेंगे कि मैंने प्लेट नंबर चेंज करा, खुद भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो। बताओ, देख रहे हो, तुमको दिखाई नहीं देता, तुम बीच रास्ते में खड़े हो। मतलब भाई पापा की परी के हिसाब से रोड का साइड बीच रास्ता है, खेत बीच रास्ता है, दीवार बीच रास्ता है, मतलब बीच रास्ता छोड़ के सब बीच रास्ता है। भाई अब वो दिन दूर नहीं जब पापा की परियां दूसरे ग्रह में जाके एलियन को पेल देगी और बोलेगी बीच रास्ते में क्यों खड़े हो। अच्छा। और भाई मुझे ये समझ नहीं आता पापा की परियों में इतना कॉन्फिडेंस आता कहां से है कि ये लाइसेंस के लिए ड्राइविंग टेस्ट देने चली जाती है। लो जी, हो गए टेस्ट में पास। यही तो देखा जाता है तुम कितने अच्छे से ठोक लेते हो। नहीं मतलब मैडम, हर जगह ठोकना नहीं होता है, तुम तो कहीं भी अपना टैलेंट दिखा देते हो। और नहीं भाई, इन्हें टेस्ट दिलाने के लिए एक पूरा ग्रह खाली कराना होगा, तभी शायद ये टेस्ट पास कर सकती है, नहीं तो ऐसे तो नहीं हो पाएगा। तो बस भाई लोगों, आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है पापा की परियों की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और हाँ वीडियो देख के चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाओ फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो, नहीं तो पापा की परी के अगले शिकार आप हो सकते हो। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। और दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।